विधानसभा अररिया। अररिया विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। अररिया विधानसभा सीट अररिया लोकसभा सीट के तहत आता है। 1951 में अररिया सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में निर्दलीय कैंडिडेट जियाउर रहमान हाजी ने अररिया सीट पर जीत हासिल की थी। 1957 में अररिया सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट जियाउर रहमान ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1962 में निर्दलीय कैंडिडेट बालकृष्ण झा ने अररिया की जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 1967 और 1969 में अररिया सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट शीतल प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल कर ली थी। 1972 में अररिया सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट आजम ने एसओपी पार्टी की टिकट पर जीत हासिल कर ली थी। 1977 में हुए चुनाव में अररिया सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट श्रीदेव झा ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1980 के चुनाव में अररिया सीट से जनता पार्टी की टिकट पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 1985 में अररिया सीट से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर हलीमुद्दीन अहमद ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1990 में अररिया सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट विनोद कुमार रॉय ने जनता का भरोसा जीत लिया था। 1995 में सीट पर हुए चुनाव में बीपीपी के कैंडिडेट विजय कुमार मंडल ने जीत हासिल की थी। 2000 के चुनाव में अररिया सीट से एक बार फिर बतौर निर्दलीय कैंडिडेट विजय कुमार मंडल ने एक बार फिर जीत हासिल की थी। 2005 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर प्रदीप कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं 2010 के चुनाव में लोजपा के कैंडिडेट जाकिर हुसैन खान ने अररिया सीट पर जीत का परचम लहरा दिया था। तो 2015 के चुनाव में अररिया सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट अवैधुर रहमान ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अररिया सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट अवैधुर रहमान ने जीत हासिल कर ली थी। अवैधुर रहमान ने चुनाव में 92,667 वोट हासिल किया था। वहीं एलजेपी के कैंडिडेट अजय कुमार झा को 52,623 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से अवैधुर रहमान ने अजय कुमार झा को 40,044 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं सीपीआई कैंडिडेट एसआर झा 5,898 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में अररिया सीट से एलजेपी की टिकट पर जाकिर हुसैन खान ने चुनाव में जीत हासिल की थी। जाकिर हुसैन खान ने चुनाव में 49,532 वोट हासिल किया था। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट नारायण कुमार झा ने 31,471 वोट हासिल किया था। इस तरह से जाकिर हुसैन खान ने नारायण कुमार झा को 18,061 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट मोहिदुर रहमान ने 18,344 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में अररिया सीट से बीजेपी की टिकट पर प्रदीप कुमार सिंह ने चुनाव में जीत हासिल की थी। प्रदीप कुमार सिंह ने चुनाव में 36,089 वोट हासिल किया था। वहीं कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मोहिदुर रहमान को 32,938 वोट मिला था। इस तरह से प्रदीप कुमार सिंह ने मोहिदुर रहमान को 3,151 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट विजय कुमार ने 23,146 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला होगा, लेकिन जीत तो उसी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगी जिस पर जनता ज्यादा से ज्यादा भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।